नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। आप सभी को स्काईनेट टीवी इंडिया परिवार की ओर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना गया है। दिवाली 5 दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व होता है। धनतेरस से दिवाली महापर्व प्रारंभ हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। धनतेरस पर सोना चांदी आभूषण और बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर खरीदी गई चीज़ों में 13 गुने की वृद्धि होती है, ऐसी पौराणिक मान्यताएं हैं। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इन दिन घरों में दिए जलाए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि पर अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस कारण से हर वर्ष दिवाली के पहले दिन धन त्रयोदशी के रूप में भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन इनकी विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। धनतेरस पर भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कुबेर यंत्र, श्री यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को घर, मंदिर और प्रतिष्ठानों में स्थापित किया जाता है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण, सिक्के और बर्तन की खरीदारी होती है। इसके अलावा धनतेरस पर झाड़ू और धनिये के बीज की भी खरीदारी करते हैं। धनतेरस दिवाली का पहला दिन होता है। धनतेरस की शाम को घर के मुख्य दरवाजे और आंगन में दिए जलाए जाते हैं। एक बार फिर आप सभी को स्काईनेट टीवी इंडिया परिवार की ओर से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।